ऐसा मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी या आदरणीय अखिलेश जी इस प्रकार की कोई गलती करेंगे। उनके नॉलेज में ये चीज नहीं होगी शायद, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे का ये बयान बताता है कि गठबंधन में गांठ कितनी मोटी होती जा रही है। समाजवादी पार्टी ने कल उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की, सहयोगी कांग्रेस के टॉप लीडर्स को भनक तक नहीं लगी और अब इसी को लेकर माथापच्ची की जा रही है। कांग्रेस महासचिव यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने लखनऊ में अहम बैठक की जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा शामिल हुई। सूत्रों के मुताबिक संभल, धौरहरा, फरुखाबाद, खीरी और लखनऊ ये ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके कांग्रेस को बैकफुट में ला दिया है। ऐसे में अब ये खबर आ रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर्स सीट बंटवारे को लेकर आखिरी बात करेंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि जब राहुल गांधी की यात्रा यूपी में एंटर करेगी तो उसके पक्ष में माहौल बनेगा, लेकिन फिलहाल तो वो समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक झटकों से खुद को संभालने में जुटी है और एनडीए के नेता इसके मजे ले रहे हैं। 100% में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की तैयारी कर चुकी है, केवल मतदान और वोटों की गिनती और परिणाम का इंतजार कीजिए। एक कहावत है कि राजा को पता नहीं मुसहर बन बांट ले, तो कांग्रेस को 11 सीट देकर कांग्रेस को ये संकेत दे रहे हैं कि तुम भी अलग हो जाओ। जैसे नीतीश जी चले गए, ममता चली गई, पंजाब वाले मना कर दिए कि नहीं गठबंधन नहीं, तो उसी तरह अखिलेश जी भी अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। असल में लग ये रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में एक तरफा फैसले ले रही है। पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस से 11 सीटों पर सहमति की बात एक्स पर पोस्ट कर दी। ज्यादा सीट की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस अभी इस ऐलान वाले झटके से उबरी भी नहीं कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। जिनको समाजवादी पार्टी का टिकट मिला है उनके सामने भी धर्म संकट है। टिकट मिलने की खुशी का जश्न तो मनाया जा रहा है, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा कि उम्मीदवार वो समाजवादी पार्टी के हैं या फिर इंडिया गठबंधन के। ये जो सूची आई है निश्चित रूप से महागठबंधन की है और दोनों जो भी गठबंधन में शरीक हैं सबके सामंजस्य है। कांग्रेस तो कह रही है कि ये सूची अखिलेश यादव की अपनी सूची है, उनके पार्टी की सूची है, वो महागठबंधन की सूची नहीं। वो जिस भी नेता का बयान है उनको जानकारी नहीं। समाजवादी पार्टी यूपी में कितनी सीटें ला सकती है? चुनाव लड़ेंगे 60 सीटों पर, तो हम 50-55 के बीच में हम सीटें लाएंगे। अब सवाल ये कि समाजवादी पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है वो उम्मीदवार बने रहेंगे या फिर गठबंधन के चक्कर में उनका गेम हो जाएगा। ऐलान के बाद भी उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं।